आज नगर कोतवाली में प्रेस वार्ता में एसपी नगर अर्पित विजय बर्गी ने बताया कि सतपाल सिंह निवासी ग्राम रसूलपुर थाना मीरापुर जनपद मुजफ्फरनगर द्वारा साइबर हेल्प सेंटर को प्रार्थना पत्र देकर बताया गया कि अज्ञात व्यक्ति द्वारा फर्जी बैंक अधिकारी बनकर डेबिट कार्ड की डिटेल्स एवं ओटीपी प्राप्त कर इजी वर्ष के माध्यम से धोखाधड़ी कर 47,000 रुपए स्थानांतरित करा लिए गए थे। साइबर हेल्प डेस्क द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए इजी वर्ष को फ्रॉड से अवगत कराया गया और संपूर्ण धनराशि आवेदक के खाते में वापस कराई गई। वहीं दूसरी शिकायतकर्ता निर्मित कुमार निवासी गांव यूसुफपुर थाना भोपा जनपद मुजफ्फरनगर द्वारा साइबर हेल्प सेंटर को प्रार्थना पत्र देकर बताया गया कि अज्ञात व्यक्ति द्वारा बातों में उलझाकर पेटीएम नंबर प्राप्त कर फ्लिपकार्ट से पेमेंट रिक्वेस्ट भेजकर धोखाधड़ी से 17,999 रुपए स्थानांतरित करा लिए गए थे। साइबर हेल्प डेस्क ने तत्काल कार्रवाई करते हुए फ्लिपकार्ट से संपर्क किया और अभियुक्त द्वारा की गई खरीदारी को निरस्त कराते हुए आवेदक के खाते में संपूर्ण धनराशि वापस कराई गई। इस तरह मुजफ्फरनगर पुलिस ने एक ही दिन में साइबर ठगों द्वारा ठगे गए 64,999 रुपए पीड़ितों को वापस कराने में सफलता पाई। एसपी नगर अर्पित विजय बर्गी ने बताया कि साइबर ठगी करने वाले अभियुक्तों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। क्रम में आज साइबर सेल ने फिर से दो लोगों के करीब 65,000 रुपये रिकवर करवाए हैं और जो कि साइबर ठग ने उनका जो मोटिव था उसको खत्म करने में हमने सक्सेसफुल काम किया है और आगे भी जो साइबर सेल है वो इस तरीके से काम करते हैं।